बांका जिला के एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के निर्देश पर एंटी टेरर टास्क फोर्स एवं अमरपुर पुलिस की संयुक्त छापेमारी अभियान के तहत थाना क्षेत्र के मखदुम्मा रतनपुर छिटका बांध के समीप भारी मात्रा में देसी शराब बनाने के उपक्रम का निष्टीकरण किया गया, जिसके तहत भारी मात्रा में 500 पीस टीना महुआ व अल्मोनियम का हंडा का निष्टीकरण किया गया। मामले को लेकर एंटी टेरर टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अमरपुर थाना क्षेत्र के मखदुम्मा गांव के समीप छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत बांस के पेड़ों के बीच छिपाया गया करीब 2 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। वहीं सघन छापेमारी अभियान के तहत जंगल के बीचों बीच भारी मात्रा में देसी शराब बनाने का उपक्रम, जिसमें लगभग 200 टीन में रखा हुआ महुआ एवं देसी शराब बनाने का उपक्रम का निष्टीकरण कर दिया गया। शराब विक्रेता का पता किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए छापेमारी अभियान से शराब माफियाओं में साफ तौर पर हड़कंप देखी जा रही है। मखदुम्मा गांव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। छापेमारी अभियान में टीम के अवर निरीक्षक उपेंद्र कुमार, अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक वन निरीक्षक अर्जुन कुमार अन्नू समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। हमरा लाइट बनाए आना है, ये सब के देखा सब कहां पीछा करने लगा। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के कैथा टीकर ज्येष्ठ गोड़नाथ मुख्य मार्ग पर स्थित जोगिया बाड़ी के समीप मंगलवार की दोपहर 60 वर्षीय वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सब की शिनाख्त नहीं हो पाई। मौके पर मौजूद अमरपुर बिशनपुर पंचायत के मुखिया सूर्यदेव सिंह ने बताया कि दोपहर कुछ ग्रामीण गाय चराने के लिए पहाड़ की ओर आए थे, उसकी नज़र वृद्धा के शव पर पड़ी। देखते ही देखते आस पड़ोस की ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सब की शिनाख्त नहीं हो पाई। मामले की सूचना अमरपुर थाने में दे दी गई। करीब 2 घंटे के बाद अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक विजय शंकर सिंह पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। मौके पर थानाध्यक्ष ने बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताते चले पूर्व में भी जेठोर पहाड़ी की तलहटी में 2 युवकों का शव मिल चुका है। ऐसा लगता है हत्यारों के लिए जेठोर पहाड़ी की तलहटी शव छिपाने का सेफ जोन बन चुकी है। यहाँ के किसान और मजदूर लोगों के द्वारा सूचना मिला कि यहाँ एक लाश है, तो उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ लाश देखने के लिए आए। उसके बाद पुलिस को सूचना हुआ, फिर आप लोग को भी सूचना हुआ। अब महिला का लाश अभी तक अज्ञात है, इलाके की नहीं लगती है, इलाके की है। कौन जगह पे? ये ऐसे तो बिशनपुर मौजा में ही है, दानव स्थान कहिए इसको, जेठोर कैथा टिकर सड़क पर। बांका सदर थाना के सिंगजोर गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हुई बमबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंगजोर गांव में गणेश यादव को गांव के परमेश्वर यादव और अनिरुद्ध यादव के बीच पुराना जमीन विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पहले भी दोनों पक्ष के बीच झड़प हुई थी। आज फिर पुराने विवाद को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बमबाजी हो गई, जिसमें गणेश यादव एवं एक अज्ञात युवक जख्मी हो गया। सभी जख्मी लोगों का इलाज बांका सदर अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि एक अज्ञात युवक को इलाज के लिए मायागंज भागलपुर भेज दिया गया है। घटना की सूचना पर बांका पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। ऐसे क्या घटना हुआ? घटना जे नीचे बम ओकर लागलो छ बेटा। अच्छा, हमार घरों पर कते बम मारो छ, सब दखनवारी घर खपड़ा सब उड़ी गेल छ। माने किस चीज का झगड़ा था? झगड़ा चाहो जमीन छ को हमरा कत्ता वाला जमीन में जोती ले छ 4 कट्ठे। अच्छा, हां तो जतन छोड़ दे छी, लेकिन ओकरो के हां से एकरा मारी छोड़। माने आपका जमीन कौन जोतता है? परमेश्वर यादव और अनुज यादव। जबरदस्ती जोतता? जबरदस्ती, मुखिया सरपंच सवारी गेल छ।
रात में आके घर पे बम मार दिया। एक करे जो बारी 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 बच्चे के लिए। इसके पहले भी बम मारा था। पहले पहले लाठी से मार ले चौक पहले घर उड़ सब उड़ा दिया। उड़ा दिया। बम मारा है नहीं बता पा रहा भैया कौन बह रहा होगा। आपका नाम क्या है? यशोदा देवी। आपका बेटा जो घायल उसका नाम क्या है? गणेश यादव।